और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया ही होंगे। अब गाइस देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूसी इवेंट के बारे में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुकी है कि आपका जो यूसी इवेंट है वो आपको 26 तारीख को देखने के लिए मिलने वाला है। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी बता दिया था ये चीज, ठीक है। तो 26 सितंबर को आपका जो यूसी इवेंट है वो आ रहा है और 10 अक्टूबर को ये चला जाएगा, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि 14 दिन के लगभग आपका जो यूसी इवेंट है वो रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारे बंदे मेरे से पूछ रहे थे पोस्ट के अंदर कि भाई कॉन्सेप्ट कैसा रहने वाला है, पुराना वाला रहेगा या फिर झाटू वाला रहेगा। तो देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट का अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक तरीके से अनुमान लगाते हैं तो भाई देखो, 3.3 अपडेट का पॉडकास्ट और 3.4 अपडेट का पॉडकास्ट दोनों आप लोग एक ही स्क्रीन में देख सकते हो, और दोनों में एक ही चीज मेंशन की गई थी यूसी इवेंट के अंदर कि 100% यूसी तक आपको जो है मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से इनका 100% का मतलब होता है झाटू यूसी इवेंट देना, क्योंकि 3.3 में सारे झाटू यूसी इवेंट आए थे और 3.4 में भी सेम चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो मे बी इस अपडेट में भी आपको झाटू इवेंट देखने के लिए मिल जाए, वैसे ही जैसे 7 यूसी पे आपको वो हमारा होली वाला स्प्रे देखने के लिए मिलता है, उसके बाद कुछ पीली टट्टियां देखने के लिए मिलती है, उस तरीके से ये रह सकता है। वैसे अगर मैं डेट के बारे में बात करता हूँ तो देखो, 26 अभी तक का कंफर्म डेट है, लेकिन बाय चांस ये अगर डिले करते हैं, क्योंकि ये उंगलीबाजी करते रहते हैं, इनको उंगली करने में मजा आता है, अगर डिले करते हैं तो फिर 27-28 तक ये जा सकते हैं। वैसे अभी तक 26 ही आप जो है कंफर्म डेट इसकी मान सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा सीन रहने वाला है यूसी अप इवेंट का, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे देखो, यूसी इवेंट के साथ ही और भी कई सारे इवेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपका जो डेली स्पेशल बंडल होता है, या फिर नॉर्मल भाषा में बीड़ी का बंडल भी बोल सकते हो, ये भी आपको 26 तारीख को ही देखने के लिए मिलने वाला है, और इसका तो कंफर्म है, ये 26 को तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ये 26 को आ जाएगा, प्लस उसके बाद अक्टूबर के मंथ में आप लोगों को जो है हमारा कस्टम पैक देखने के लिए मिलने वाला है, स्टार्टिंग में भी मिल सकता है, वैसे 10 तारीख के बाद ही आएगा, ठीक है। तो कस्टम पैक में बेनिफिट होते हैं, वैसे एजी करेंसी भी काफी मिल जाती है, प्लस आप लोग का जो यूसी है वो इवेंट में भी काउंट होती है जो भी यहाँ से परचेज करते हो, ठीक है, और डील्स वाउचर भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को कस्टम पैक के साथ में डेली फॉर्च्यून पैक भी देखने के लिए मिलेगा, वो भी अक्टूबर के मंथ में, और यहाँ पे जो हमारा ग्रोइंग पैक है, ठीक है। तो ग्रोइंग पैक और डेली फॉर्च्यून पैक, इन दोनों में से एक चीज जो है नवंबर तक जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ यूसी इवेंट है जो कि आपको गेम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जो यूसी स्पेंडिंग इवेंट है वो कब तक आ सकता है। तो देखो भाई, जो यूसी स्पेंडिंग इवेंट है, अभी तक जो बीजीएमआई की परंपरा चलती आई है वो ये है कि पहले यूसी इवेंट आता है, जो हमारा बोनस यूसी इवेंट होता है, उसके बाद यूसी स्पेंडिंग इवेंट आता है, और उसके बाद दोबारा से बोनस यूसी इवेंट आता है, यानी कि स्पेंडिंग इवेंट को बीच में पेला जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका यूसी इवेंट 26 तारीख को आ रहा है, उसके बाद ही आपको स्पेंडिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा, और एक तरीके से कह सकते हो इस मंथ के लास्ट में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में आपको जो है स्पेंडिंग इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यूसी स्पेंडिंग इवेंट के बारे में बता दिया। और कुछ बंदे यहाँ पे यूसी स्टेशन के बारे में भी पूछ रहे थे कि भाई उसका क्या हुआ, वो तो गायब ही हो गया, उसको दफना दिया गया है यार, ठीक है, उसमें थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हो जाता था। वैसे यूसी इवेंट में भी बेनिफिट होता था जब तक ये डबल यूसी देते थे, अब से जब से इन्होंने अपनी मरवानी चालू कर दी है तब से इसमें अब ज्यादा बेनिफिट नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूसी स्टेशन को बताया गया था कि उसमें कुछ सुधार करके उसको वापस लाया जाएगा, और इसी साल की बात की गई थी, साल तो पूरा निकल गया, यूसी स्टेशन का नामो निशान भी नहीं है। मे भी एक तरीके से उम्मीद कर सकते हो नेक्स्ट ईयर हमको देखने के लिए मिल जाए, वैसे इसकी कोई भी अभी ऑफिशियल जो न्यूज है हमारे पास आई नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता, नेक्स्ट ईयर ही मान के चलो, इस साल तो आने नहीं वाला, ठीक है। तो ये आपका यूसी स्टेशन होने वाला है, जो कि मैंने बता दिया है, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे सीजन 21 रिवार्ड के बारे में, क्योंकि देखो अभी तो सीजन 19 चल रहा है, उसके बाद आपका बीजीएमआई के अंदर सीजन 20 आएगा, और सीजन 20 में यहाँ पे ग्लोबल वर्जन में देख सकते हो चल रहा है अभी, तो इसके रिवार्ड आप लोगों को सीजन 20 में देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं सीजन 21 के रिवार्ड के बारे में, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है अभी तक आए हुए सीजन रिवार्ड से, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को जो है गोल्ड टियर पर ये वाला आउटफिट देखने के लिए मिलेगा, चेकआउट कर सकते हो आउटफिट, भाई देखो अच्छा है, ठीक है, मतलब अभी तक जितने भी आए हैं उनसे मेरे को काफी ज्यादा ये बेटर लग रहा है। प्लस आपको प्लेटिनम पे यहाँ पे ग्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगे, ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिर डायमंड पर यहाँ पे आप लोगों को MG3 की स्किन देखने के लिए मिलने वाली, और ये MG3 की स्किन भाई कतई नेक्स्ट लेवल लग रही है, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़िया स्किन लग रही है, वैसे नॉर्मल है लेकिन स्किन काफी ज्यादा बढ़िया है। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, अभी तक के जितने भी आ रहे हैं, हाल ही में जितने सीजन रिवार्ड आए हैं उनसे तो ये वाला मेरे को बेटर लग रहा है। बाकी यहाँ पे एस पे आपको जो है मास्क देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे एस मास्टर पे ये वाला हेयर आपको जो है देखने के लिए मिलने वाला है, तो ये हेयर भी मेरे को पता है काफी ज्यादा बंदों को जो है पसंद होने वाला है। और उसके बाद इस डोमिनेटर पे ये अवतार आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और फिर लास्ट में यहाँ पे कॉनकरर पे जो हमारा फ्रेम होता है ये आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक पैराशूट की स्किन भी दिखाई गई है, जो कि आपको शॉप के अंदर देखने के लिए मिलेगी, सीजन रिवार्ड में ये नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे आपके जो है सीजन 21 के रिवार्ड होने वाले हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, और कुछ बंदे पूछते हैं कि जो हमारी हेल फायर वाली जो AKM थी वो BGMI में कब आएगी। तो यार देखो, पहली बात तो ये आपको किसने बता दिया कि ये AKM की स्किन आपको गेम के अंदर देखने
देखने के लिए मिलने वाली है। मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं है, दरअसल ये जो AKM की स्किन है ये आपको ग्लोबल वर्जन में देखने के लिए मिलेगी, और वो भी कहाँ देखने के लिए मिलेगी, कस्टम क्रेड में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। BGMI के अंदर आप लोगों को पता है भाई कितना टाइम हो गया, मेरे को तो याद भी नहीं, पता नहीं कितने महीने हो गए कस्टम क्रेड ही नहीं आ रही, और आती भी है तो झाटू दे देंगे, इनका क्या भरोसा है, ठीक है। तो कस्टम क्रेड BGMI में आती नहीं है, और जो ये आपकी AKM की स्किन है ये कस्टम क्रेड में आ रही है ग्लोबल वर्जन में, BGMI में नहीं आने वाली है, मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि BGMI में कस्टम क्रेड जो है अभी नहीं आ रही है। और सेम चीज जो है इन्फर्नो हेलमेट के साथ भी होने वाली है, उसका भी बंदे पूछ रहे थे, वो भी आपकी कस्टम क्रेड के अंदर आने वाली है ग्लोबल वर्जन में, और BGMI के अंदर कोई भी नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा सीन रहने वाला है, आपकी AKM की स्किन और इन्फर्नो हेलमेट कस्टम क्रेड के अंदर आ रहा है लेकिन ग्लोबल वर्जन में, BGMI के अंदर किसी भी क्रेड के अंदर इसको नहीं दिया जाएगा, तो ये पूरा सीन रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपनी होला बडी स्पिन के बारे में। तो देखो मैंने आपको कुछ आउटफिट्स दिखाए थे जो हमारे वुल्फ कंपेनियन वाले थे, अब इसमें से जो ये आपने रेड वाला आउटफिट देखा था ये BGMI के अंदर नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ, दरअसल ग्लोबल वर्जन के अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ पे जो ये होम कॉम्पिटिशन टाइप का ये लोग चलाते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने एज अ रिवार्ड इसको जो है उठा के पेल रखा है, और आपको पता होगा जब से ये होम वाला जो है ग्लोबल वर्जन में ऐड किया गया है तब से होला बडी का एक एक आउटफिट जो है इसमें उठा के पेल दिया जाता है, चाहे लायन का ले लो चाहे चीता का ले लो किसी का भी ले लो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके वुल्फ कंपेनियन का जो ये रेड वाला है इसको भी इन्होंने होम कॉम्पिटिशन में दे दिया, और BGMI में अभी होमलैंड तो आया नहीं है तो इसलिए BGMI में नहीं देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ एक ब्लू वाला और जो ये दूसरा वाला आपको दिखाया था ये दो आएंगे, ये रेड वाला आपको जो है होला बडी स्पिन के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ग्लोबल वर्जन में जो सप्लाई क्रेट आई है, अब ये सप्लाई क्रेट भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि जो ग्लोबल वर्जन की सप्लाई क्रेट होती है वो हमारे BGMI की प्रीमियम और क्लासिक क्रेट से काफी ज्यादा बढ़िया होती है, ठीक है। और इसमें तो जीप की स्किन भी दे रखी है, तो आपको भी अगर लगता है ऐसा तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है हमारे BGMI के अंदर तो प्रीमियम और क्लासिक रेट में तो इतना गंदा हग रखा है कि खोलते ही इतनी ज्यादा बदबू आ जाती है कि बंदे कंट्रोल नहीं कर पाते, मोबाइल फेंकना पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या ही कर सकते हो भाई, ग्लोबल वर्जन है उसमें चीजें काफी ज्यादा तगड़ी आती है, ग्लेशियर तो मेरे को पता नहीं कितने सदियां हो गई है भाई कि ग्लेशियर यहाँ पे क्लासिक रेट में पड़ी हुई है, यहाँ से जा नहीं रही है और BGMI के अंदर आ नहीं रही है, ठीक है, ये पूरा सीन है। बाकी यहाँ पे कुछ बंदे बोनस चैलेंज के बारे में भी पूछ रहे थे कि भाई अब की बार तो आया नहीं, क्या सीन है बोनस चैलेंज का, कि आएगा या फिर नहीं आएगा। तो बोनस चैलेंज इन चूतियों ने अभी तक शेड्यूल ही नहीं किया है भाई, आपको सही बताऊँ ना, अभी तक इन लोगों का जो है निकल के ही नहीं आई, इन्फॉर्मेशन भी हमको नहीं मिली, उस तरीके से पूछा भी गया था, कह रहे अभी शेड्यूल नहीं हुआ है, तो अभी बोनस चैलेंज का कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कब तक देखने के लिए आपको दोबारा मिल जाएगा ये, ठीक है। अगर कुछ चीज पता चलती मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। वैसे बोनस चैलेंज अब जो है इतना ज्यादा स्पेशल नहीं रह गया है, ज्यादातर मैचों में तो आपको चीटर्स ही देखने के लिए मिलते, हो सकता है ये भी एक वजह हो कि बोनस चैलेंज को अब की बार जो है थोड़ा डीले किया गया, अगर कुछ इंप्रूवमेंट कर देते हैं तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो इनकी माँ बहन पे आएंगे। तो गाइज देखो यही सारी चीजें थी जो आज की इस वीडियो में मुझे कवर करनी थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों से मेरा जय श्री राम और धन्यवाद।